स्टेट्स ऑफ किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ नेहा और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी और डिशेस लेकर के आती हूँ, तो ऐसे ही आज मैं एक डिश और लेकर के आई हूँ। अगर हम बात करें स्पेशल डिशेस की तो हमारे मन में सबसे पहला दिमाग पनीर की डिशेस का आता है। पनीर में बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं जिनको हम स्पेशल ओकेजन से बनाते हैं, तो उन्हीं वैरायटीज़ में से आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ पनीर टिक्का मसाला। तो चलिए आइए देखते हैं पनीर टिक्का मसाला कैसे बनता है। ये देखिए, पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए मैंने सभी चीज़ें यहाँ पर निकाल के रख ली हैं। मैंने 500 ग्राम पनीर लिया है। मैरिनेशन के लिए मेरे पास दही है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैंने शिमला मिर्च ली है जो कि चौड़े उसमें क्यूब्स में काट ली है, मेरे पास प्याज है चौड़े क्यूब से कटा हुआ, और ये टमाटर है जिसके बीज निकाल के मैंने अलग कर दिए हैं, और बाकी सूखे मसाले जैसे कि नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, धनिया, और ये है चाट मसाला। ये सब मेरा सामान मैरिनेशन का है। अब जो मुझे मसाला बनाना है उसके लिए देखिए मुझे क्या चाहिए। मुझे कटा हुआ प्याज चाहिए जो कि बारीक कटा हुआ होगा, टमाटो प्यूरी चाहिए, लहसुन कटा हुआ या ग्रेट किया हुआ, और कटी हुई मिर्च। ये सारा सामान मेरा मसाला बनाने का है और बाकी ये मैरिनेशन का है। चलिए तो आइए देखते हैं कि मैरिनेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम दही, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, 500 ग्राम पनीर के लिए, और ये जितने भी सूखे मसाले थे मेरे, चिली फ्लेक्स, नमक, काली मिर्च, धनिया और चाट मसाला, ये सब इसमें मिला देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। इधर मैंने मसाले में डालने के लिए थोड़ा सा ये बचा के रखा हुआ है, ये हम मसाले में यूज़ करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट। बाकी मैं इसको पूरे को मिला लेती हूँ अच्छे से। कि दही मेरा मिल गया है। अब इसमें अपना जितना भी मेरा ये वेजिटेबल्स हैं, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, इसको मैं मिक्स कर देती हूँ और इसको भी अच्छे से मिला लेती हूँ। मेरा ये मैरिनेशन अच्छे से मिल गया है, साथ ही साथ अब मैं इसमें पनीर भी ऐड कर दूँगी जितना भी पनीर था, और इसी के साथ मैंने ये बटर लिया है, 2 चम्मच मेरा बटर है करीब, और इसको मैंने मेल्ट कर लिया, इसको भी मैं इसमें मिला देती हूँ। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये पूरा ही मैरिनेशन मेरा अच्छे से रेडी हो गया है। अब मैं इसको करीब 20 मिनट के लिए फ्रिज में ढक करके रख देती हूँ, और 20 मिनट बाद हम इसके मसाले की प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट, अब इसका मसाला बनाने के लिए हम लोगों ने एक कढ़ाई रख ली है, और इसका तेल भी मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया था, और तेल भी गर्म हो चुका है। अब सबसे पहले मैं इसमें कटा हुआ प्याज इसको अच्छे से भून लूँगी। प्याज हल्का गुलाबी हो चुका है। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन, साथ ही साथ हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है हम वो भी इसमें डाल देंगे। हमारा मसाला भुन गया है। अब इसमें हमको टमाटर प्यूरी ऐड करनी है। जैसे जैसे ये टमाटर प्यूरी इसमें ऑयल में फ्राई होगी, इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाएगा।
बट थोड़ा सा इसमें प्यूरी का कलर लाने के लिए मैं इसमें चीनी ऐड कर देती हूँ, जिससे इसका कलर जो है टमाटो प्यूरी कलर जो है कैरमलाइज हो जाएगा, देखिए। और इसको आप अच्छे से भून लीजिए। देखिए हमारा मसाला इसका जो है भुन चुका है और इसमें कलर भी बहुत बढ़िया आ गया है। अब हम इसमें अपना मैरिनेट किया हुआ पनीर, शिमला मिर्च और टमाटर जो है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको बहुत ही अच्छे से धीमे हाथ से इसको चलाएंगे, जिससे कि पनीर जो है मैरिनेट किया हुआ पनीर वो टूटे नहीं। आपको बहुत ही जेंटली इसे चलाना है और बिल्कुल सावधानी से, देखिए इस तरीके से। हमें नमक नहीं ऐड करना है इसमें, क्योंकि हमारा नमक ऑलरेडी ऐड हो चुका था मैरिनेशन में, देखिए हो गया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे। ये देखिए हमारा टिक्का मसाला जो है ऑलमोस्ट रेडी है। अब सबसे लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूंगी ऊपर से और थोड़ी देर के लिए इसको चला दूंगी। जब तक इसमें गरम मसाला भुन करके मिलेगा तब तक एक काम और मुझे करना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं कर चुकी हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने जो इससे पहले वाला चिकन बनाया था उसमें मैंने स्मोकी फ्लेवर दिया था। इसमें भी मैं सेम वही करूँगी, क्योंकि हमारे पास बारबेक्यू नहीं है। अगर ये बारबेक्यू पे बनता ड्राई तो उसमें स्मोकी फ्लेवर ऑलरेडी आ जाता, बट इसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम क्या करेंगे कि हम कोयले को अच्छे से गर्म होने के लिए गैस पे रखेंगे। मैंने अफ़गानी चिकन के वीडियो में भी लास्ट ऐसे ही कुछ करा था, इसमें भी मैं वही कर रही हूँ। और इससे इसका फ्लेवर जो होता है ना, स्मोकी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है चिकन में। अगर आप स्पेशल चिकन बनाइए या टिक्का बनाइए या कुछ भी रेसिपी, उसमें ये फ्लेवर दीजिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। मेरा कोयला ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, ये बिल्कुल गर्म हो गया है, धुआं भी निकल रहा है इसमें से। अब इसको एक कटोरी में मैं रखती हूँ, ठीक। और इस पर करीब एक चम्मच देसी घी डाल करके इस कटोरी को मैं अंदर रखूँगी और इसको मैं बंद कर दूँगी। ये देखिए मैंने इसके अंदर इस कटोरी को रखा है और इसको बंद कर दिया है। देखिए हमारा पनीर टिक्का मसाला बिल्कुल रेडी है और ये देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। ये देखिए बहुत ही यमी फ्लेवर, स्मोकी फ्लेवर टिक्का मसाला बिल्कुल बढ़िया सा हमारा रेडी हो चुका है। तो अब आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी पनीर टिक्के मसाले की। और मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस रेसिपी को शेयर भी करिए। शेड्स ऑफ किचन बाय नेहा। थैंक यू।